झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में 500 बेड अस्पताल के ओपीडी सेवा का शुभारंभ और उद्घाटन 5 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा एमजीएम कॉलेज परिसर का निरीक्षण किया गया और निर्माण कार्यों का जायजा लिया गया। निरीक्षण के क्रम में मंत्री द्वारा उच्च स्तरीय बैठक कर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि 751 बेड का एमजीएम अस्पताल वर्तमान में बन चुका है, 131 बेड आईसीयू, 620 बेड जनरल होंगे। इसी के साथ साथ 100 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट भी अलग से बनाया जा रहा है, जिससे अस्पताल की कुल कैपेसिटी 851 बेड की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल के निर्माण से कोल्हान के साथ साथ आसपास के जिलों के मरीजों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। देखिए, आज ये 751 बेड का ये हॉस्पिटल वर्तमान में बन चुका है, जिसमें 131 बेड आईसीयू के हैं और 620 बेड जनरल। इसी के साथ साथ 100 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट भी हम लोग अलग से लगा रहे हैं, मतलब कुल कैपेसिटी इसकी हो जाएगी 851 बेड की। और एक अलग से इसमें कैथ लैब भी बन चुका है। आज हमारे स्वास्थ्य विभाग के हमारे कप्तान, हमारे प्रधान सचिव बड़े भाई अजय सिंह जी के अध्यक्षता में एक बैठक, हाई प्रोफाइल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे एनएचएम के डायरेक्टर अबू साहब, हमारे ज़िले के उपायुक्त, एसएसपी साहब, सीटीएसपी साहब, हमारे सारे प्रिंसिपल, सुप्रिंटेंडेंट, सभी एचओडी, बिजली विभाग के बड़े अधिकारी, पीएचडी के बड़े अधिकारी, भवन निर्माण के इंजीनियर इन चीफ के साथ साथ एलएनटी, जिसने इस अस्पताल को बनाया है, वो सारे अधिकारियों के साथ हम लोगों ने बहुत क्रमबद्ध तरीके से सारी चीज़ों की विवेचना की है कि इसको हम व्यवस्थित तरीके से, किस तरीके से इसको हम चलाएंगे। और इसका जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इस अस्पताल का उद्घाटन भी होने की पूरी संभावना है। इसी परिप्रेक्ष्य में, चूँकि जब एक कोई बड़ी व्यवस्था, मैं समझता हूँ कि कोल्हान में एक तरफ ये आपको 851 बेड का ये अस्पताल और दूसरी तरफ साक्ची में बन रहा है 500 बेड का हॉस्पिटल, तो निश्चित तौर पर ये, मैं समझता हूँ कि ये जमशेदपुर के लिए ही नहीं बल्कि कोल्हान और झारखंड के लिए भी ये मील का पत्थर साबित होगा। और ये गरीबों के लिए एक ऐसा सशक्त माध्यम होगा कि जो हमारे रोगी हैं, गरीब रोगी हैं, वो इस अस्पताल में आएंगे तो उनके चेहरे पर जाते समय मुस्कान रहेगी। और ये बिल्कुल, ये हॉस्पिटल बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल का भी ये कान काट रहा है। और ये हॉस्पिटल आप यदि पूरा घूम के देखेंगे तो ये हॉस्पिटल बिल्कुल 5 स्टार की तरह जो है, ये हॉस्पिटल की सारी व्यवस्थाएं चार चौबंद है। और हमारी सरकार ने इसको अक्टूबर माह में 2020 में इसको चालू किया था और आज ये हॉस्पिटल करीब करीब बनकर तैयार हो चुका है। और जो भी इसमें शेष चीज़ें हैं, कुछ कुछ और भी हम लोगों ने इसमें नए इनोवेशन किए करने के लिए कुछ कुछ चीज़ों को विचार किया है कि कैसे हमारा जो है कैंटीन वगैरह जो है कैसे बढ़िया होगा, कैसे हमारा जो है पार्किंग का सिस्टम होगा, कैसे हमारी सुरक्षा के मानक होंगे। तो सभी चीज़ों पर, चूँकि हमारे SSP भी हैं, CTSP साहब भी हैं, DC साहब भी हैं, हमारी SDM मैम भी हैं, हमारे प्रधान सचिव हैं, NHM डायरेक्टर साहब हैं, तो पूरा का पूरा महकमा लगा हुआ है कि सभी चीज़ों को
इस तरीके से चुस्त दुरुस्त करते हुए हम इसको जो है जल्द ही जो है जनता को समर्पित करेंगे, ताकि ये जो है जनता के लिए स्वास्थ्य लाभ की दिशा और दशा में ये एक सशक्त माध्यम। न्यूज़विंग के लिए गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूँ मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।